हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द डे बिकमिंग ऑफ यू ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस को देख लें। पिछले सारे ही वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियांग यी और शेंगशेंग की बॉडीज फिर से स्विच हो जाती है और वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। तो अब से मैं उन दोनों के नाम से ही एड्रेस करूंगी। फिर घर आके जियांग यी देखता है कि शेंगशेंग जब जियांग यी बनके उसके घर में रह रही थी तब उसने उसके प्यारे अखरोट को तोड़ दिया था और उस बात को शेंगशेंग ने जियांग यी से छुपाया था। तो ये जान के जियांग यी शेंगशेंग को कॉल करता है और उससे पूछता है मेरे अखरोट कहाँ पर है, जिसके जवाब में शेंगशेंग कुछ भी नहीं बोल पाती। तो जियांग यी बोलता है तुम कैसे मुझे मेरे अखरोट के लिए कंपनसेट करोगी। ये सुनके शेंगशेंग बोलती है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही उन अखरोट को तोड़े हैं। ये सुनके जियांग यी शेंगशेंग को उसकी ही चिट्ठी पढ़ के सुनाता है जिसमें शेंगशेंग ने लिखा था मैं शेंगशेंग जियांग यी के अखरोट तोड़ने के लिए जिम्मेदार हूँ। तो शेंगशेंग की चिट्ठी पढ़ने के बाद शेंगशेंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचता खुद को डिफेंड करने के लिए, इसीलिए वो बोलती है तो मुझे तुम्हें कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करना होगा। तो जियांग यी बोलता है वो मैं बाद में सोच के बताऊंगा। अगले दिन सुबह जियांग यी के पापा उसकी बेटी मोमो को लेकर जियांग यी के घर में आते हैं मोमो को वहाँ रखने के लिए। तो मोमो को अपने घर में रखने के बाद जियांग यी शेंगशेंग को कॉल करके पूछता है कि उसने उसके पापा को क्या बोला है। तो शेंगशेंग बोलती है उस दिन तुम्हारे पापा बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे थे मोमो को रखने की और मैं उनको मना नहीं बोल पाई। इसके बाद शेंगशेंग जियांग यी से पूछती है तुमने पूछिन को क्या बोला है, वो मुझे सुबह से बहुत रोमांटिक मैसेज कर रहा है। तो जियांग यी बोलता है उसने तुम्हें प्रपोज किया है तुम उसे हाँ बोल दो। तो पूछिन ने शेंगशेंग को प्रपोज किया है और जियांग यी ने तभी पूछिन का प्रपोजल रिजेक्ट नहीं किया। इस बात से शेंगशेंग जियांग यी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर शेंगशेंग ब्रेकफास्ट करने जाती है जहां उसकी माँ उसे कम खाने बोलती है क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद शेंगशेंग रोज ही बहुत ही खाना खाती थी जिसकी वजह से वो मोटी हो गई थी। ये सुनके शेंगशेंग तुरंत अपना वेट चेक करती है और वो देखती है कि जियांग यी ने इतने दिन ज्यादा से ज्यादा खाके उसका वेट 5 kg बढ़ा दिया है, जिसको देख के वो पूरी ही सदमे में आ जाती है और चीखने लगती है। तो शेंगशेंग को ऐसे बिहेव करते देख उसके मम्मी पापा को अजीब लगता है। फिर शेंगशेंग अपने मोटापा को छुपाने के लिए लूज ड्रेस पहन के ऑफिस जाती है जहां उसको देख के टोंग हुआ उसे पूछती है तुम आज कुछ अलग लग रही हो। ये सुन के शेंगशेंग को लगता है कि शायद टोंग हुआ समझ गई है कि इतने दिनों से शेंगशेंग कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, तो इसीलिए वो टोंग हुआ को सब सच बता देती है कि कैसे उसकी और जियांग यी की बॉडी स्विच हुई थी। ये सुन के टोंग हुआ एज यूजुअल कुछ भी विश्वास नहीं करती। तो शेंगशेंग जब समझ जाती है कि टोंग हुआ कुछ भी विश्वास नहीं कर रही है तो वो उस बात को घुमा देती है। इसके बाद पोचिन शेंगशेंग के ऑफिस में उसके लिए फूल भेजता है तो उस फूल को देख के सभी शेंगशेंग को चिढ़ाने लगते हैं जिससे शेंगशेंग एम्बेरेस्ड हो जाती है। तो टोंग हुआ शेंगशेंग से पूछती है क्या तुमने पोचिन को डेट करने के लिए हाँ बोल दिया है। तो शेंगशेंग बोलती है नहीं मैं पोचिन को डेट नहीं करना चाहती मैं उससे प्यार नहीं करती। ये सुन के टोंग हुआ बोलती है तुम पोचिन को एक चांस दे सकती हो उसको डेट करके देख लो अगर तुम्हें वो पसंद आ जाए तो अच्छा होगा। उधर जियांग यी मोमो को अकेले संभाल नहीं पाता और उसके घर में जिया शू ली ई दा चुन कोई भी नहीं थे जो कि मोमो को संभाल पाए और वो बाहरी किसी को मोमो की देखरेख करने के लिए बुला भी नहीं सकता था क्योंकि इससे सबको ही पता चल जाता कि सुपरस्टार जियांग यी का उसके फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है। तो उसे जब कुछ भी आइडिया नहीं सूझता तब वो शेंगशेंग को बुलाता है मोमो की देखरेख करने के लिए और शेंगशेंग मोमो की देखभाल करने के लिए मान भी जाती है। तो शेंगशेंग वहाँ जाके पहले ही सबके लिए खाना बनाती है फिर मोमो के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो शेंगशेंग को मोमो का ध्यान रखते हुए देख जियांग यी को अच्छा लगता है। इसके बाद शेंगशेंग जियांग यी के पास उसके कपड़े मांगती है क्योंकि उसका कपड़ा भीग गया था। तो कपड़े देने के बाद शेंगशेंग जियांग यी को रूम से बाहर जाने बोलती है ताकि वो कपड़े चेंज कर सके। तो जियांग यी मजाक करके बोलता है तुम मेरे सामने भी कपड़े चेंज कर सकती हो क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा पूरा बॉडी देख लिया है। ये सुन के शेंगशेंग भी मजाक में जियांग यी के सामने ही कपड़े चेंज करना स्टार्ट करती है जिसको देख के जियांग यी का दिल धड़कना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बाद में शेंगशेंग वहाँ चेंज नहीं करती और जियांग यी का मजाक उड़ा के चली जाती है। फिर शेंगशेंग मोमो को सुलाने की कोशिश करती है लेकिन मोमो उसकी माँ के पास जाने के लिए जिद करने लगती है और रोने लगती है। तो शेंगशेंग जब उसको संभाल नहीं पाती तब वो जियांग यी को वहाँ बुलाती है और जियांग यी को देख के मोमो बिल्कुल
बिल्कुल ही शांत हो जाती है क्योंकि वो जियांगी से बहुत ही डरती थी। लेकिन जियांगी के जाने के बाद ही मोमो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। तो शिंगशिंग उसे बोलती है कि अगर मोमो रोना बंद कर दे तो वो उसे पिकनिक ले जाएगी। ये सुन के मोमो रोना बंद कर देती है। इसके बाद अगले दिन वो तीनों पिकनिक पे जाते हैं और वहाँ जियांगी को उसकी पास्ट की बातें याद आती है कि उसके चाइल्डहुड में उसकी माँ काम में बहुत ही बिजी रहती थी। यहाँ तक कि जियांगी के बर्थडे के दिन भी वो उसके साथ नहीं रह पाती थी और उसके पापा को अकेले ही जियांगी को संभालना पड़ता था, जिसकी वजह से जियांगी के पापा भी जियांगी के ऊपर बहुत ही गुस्सा करते थे। तो चाइल्डहुड के मेमोरीज को याद करते हुए जियांगी सैड हो जाता है। उधर शिंगशिंग को मोमो से बातें करते हुए पता चलता है कि जियांगी कभी भी उसके पापा से मिलने नहीं जाता और उसकी माँ भी फॉरेन में रहती है। तो ये जान के शिंगशिंग समझ जाती है कि जियांगी अपने लाइफ में बहुत ही अकेला है। उसके साथ ना उसकी पेरेंट्स है और ना ही कोई अच्छा फ्रेंड। ऑफिस में तोंगहुआ को पता चलता है कि किसी ने जियांगी को पिकनिक जाते हुए देखा है। तो इस न्यूज को पा के तोंगहुआ इसके बारे में शिंगशिंग को बताती है और शिंगशिंग ये जान के तुरंत जियांगी और मोमो के साथ घर चली जाती है। तो घर जाते ही मोमो की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। तो शिंगशिंग मोमो को पूचिन के पास हॉस्पिटल ले जाती है और जियांगी को घर में ही रहने बोलती है ताकि लोगों को जियांगी और मोमो के रिश्ते के बारे में पता न चले। तो पूचिन मोमो का चेकअप करके उसको एक दिन के लिए हॉस्पिटल में रखने बोलता है। तो शिंगशिंग मोमो के साथ हॉस्पिटल में रह जाती है। इसके बाद जियांगी शिंगशिंग को कॉल करके मोमो के बारे में पूछता है। तो वो जब सुनता है कि मोमो ठीक है तब वो फोन काट देता है। फिर पूचिन शिंगशिंग से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे ऑफिस में फूल भेजना अच्छा नहीं लगता? बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ। ये सुन के शिंगशिंग को तोंगहुआ की बातें याद आती है कि वो पूचिन को एक बार चांस देके डेट कर सकती है। ये याद करके शिंगशिंग पूचिन को डेट करने के लिए हाँ बोल देती है और इसको सुन के पूचिन बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ हम जियांगी को देखते हैं और वो शिंगशिंग और पूचिन को एक साथ देख लेता है। तो उन दोनों को देख के वो सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिंगशिंग जियांगी को जाते हुए पीछे से देख लेती है। अगले दिन जियांगी शिंगशिंग और मोमो को हॉस्पिटल लेने जाता है और जियांगी के ड्रेस को देख के शिंगशिंग पहचान जाती है कि जियांगी ही कल हॉस्पिटल में था। तो वो जब इसके बारे में जियांगी से पूछती है तब जियांगी इस बात को टाल देता है। इसके बाद वो लोग जब घर पहुंचते हैं तब वो लोग देखते हैं कि दाचुअन, जियाशु और ली घर में ही है और वो तीनों शिंगशिंग को घर में देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तो जियांगी सबको बोलता है कि इंटरव्यू देने के बाद और उस दिन लिफ्ट के उस केस के बाद से मैं और शिंगशिंग बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो गए हैं, इसलिए मोमो की देखभाल करने के लिए मैंने शिंगशिंग को बुलाया है। इसके बाद शिंगशिंग मोमो को लेके रूम में चली जाती है और उसके जाने के बाद ही दाचुअन जियांगी से पूछता है, शिंगशिंग तुम्हारा फ्रेंड है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि उसने तुम्हारे बर्थडे पार्टी में झूठ बोला था सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए? यह सुन के जियांगी बोलता है कि शिंगशिंग अच्छी लड़की है। तो दाचुअन बोलता है, मुझे वो सब कुछ भी नहीं पता, तुम उसके ऊपर नजर रखना और देखना वो तुम लोगों के पर्सनल मैटर को बाहर बोलना दे। ये सुन के जियांगी रूम में जाता है शिंगशिंग से बातें करने। तो जियांगी को देख के शिंगशिंग बोलती है, अब सब लोग वापस आ गए हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे रहने से बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। तो जियांगी बोलता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, मोमो को लेकर मैं तुम्हारे सिवा बाहर वाले को विश्वास नहीं करता। ये सुन के शिंगशिंग वहाँ रहने के लिए मान जाती है। फिर जियाशु शस धज के शिंगशिंग से मिलने आता है और जियाशु को देख के शिंगशिंग बहुत ही खुश हो जाती है और उसके तारीफों के पुल बांधने लगती है। इतने में वहाँ ली आता है और वो शिंगशिंग से सवाल करने लगता है कि क्या वो न्यूज के लिए सेलिब्रिटीज को स्टॉक करती है, कैसे उसे सेलिब्रिटीज के सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, कैसे वो छुप छुप के सेलिब्रिटीज के फोटोज खींचती है। तो इन सब सवालों को सुन के शिंगशिंग के लिए ली को ये समझाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक स्टॉकर नहीं बल्कि एक रिपोर्टर है और वो सेलिब्रिटीज को स्टॉक नहीं करती और सेलिब्रिटीज के बारे में जो भी सच है वही लिखती है। इतने में वहाँ शुई आती है और वो भी शिंगशिंग को देख के बोलती है, तुम वही हो ना जो कि फेक फैन बनके जियांगी के बर्थडे पार्टी में आई थी? और शुई से ये सुन के शिंगशिंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है। शुई सबके लिए खाना लाई थी। तो सब लोग शुई के साथ बिजी हो जाते हैं और कोई भी शिंगशिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिससे उसका मूड खराब हो जाता है। तो खाना खत्म होने के बाद शुई जियाशु को अकेले में बोलने लगती है, जियांगी ने क्यों शिंगशिंग जैसे एक रिपोर्टर के साथ दोस्ती कर लिया? तुम उससे दूर रहना, मुझे तो लगता है वो यहाँ तुम लोगों के बारे में जानने आई है, उसके सामने कुछ मत बोलना, वो तुम लोगों की बातें रिकॉर्ड कर सकती है। तो शुई जब ये सब कुछ बोल रही थी तभी वहाँ शिंगशिंग आके सब सुन लेती है और बोलती है, मैंने
कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अगर तुम चाहो तो मेरी फोन चेक कर सकती हो। ये बोल के वो चली जाती है और अपने रूम में गुमसुम बैठी रहती है। तभी जियांग यी वहां आके उसे समझाता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स है जो कि हमारे बारे में झूठी बातें लिखते हैं, इसीलिए हम रिपोर्टर्स से दूर रहते हैं, तो तुम उन लोगों के बातों का बुरा मत मानना। फिर अगले दिन जियांग यी के पापा मोमो को लेने आते हैं और आके सिर्फ मोमो के बारे में ही पूछते रहते हैं और जियांग यी से बातें भी नहीं करते, जिससे जियांग यी को बहुत ही बुरा लगता है। फिर जियांग यी उसके पापा से पूछता है, क्या आपने मेरे पैसे से मोमो के लिए पियानो खरीदा? ये सुन के जियांग यी के पापा बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं खरीदा। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांग यी के पापा ने उससे झूठ बोल के उससे पैसे लिए थे और उन पैसों को उसने शेयर मार्केट में यूज किया है। फिर जियांग यी के पापा चले जाते हैं और हम शेंग शेंग को देखते हैं, जिसने जियांग यी के पापा को जियांग यी के साथ देख लिया था, तो उसे इस बात पे बुरा लगता है कि जियांग यी के पापा को जियांग यी की कोई भी फिक्र नहीं है, उसे सिर्फ मोमो की ही फिक्र है। तो जियांग यी का मूड खराब है ये देख के शेंग शेंग जियांग यी से बातें करने जाती है, लेकिन तब जियांग यी उससे बातें नहीं करता, इसलिए शेंग शेंग वहाँ से ऑफिस चली जाती है। और वह जियांग यी को पास्ट की बातें याद आती है, जहाँ एक दिन उसे बहुत ही बुखार था और उसकी माँ काम में बहुत ही बिजी थी, इसीलिए उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई थी। तो उसकी माँ ने उसके पापा को जियांग यी को डॉक्टर के पास ले जाने बोला था और उसकी माँ ने उसके पापा को पैसे भी दिए थे, लेकिन उसके पापा टीवी देखने में इतना बिजी थे कि वो जियांग यी को बीमार हालत में ही छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ याद करके जियांग यी बहुत ही सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ शेंग शेंग भी ऑफिस में जियांग यी के बारे में सोच सोच के परेशान हो जाती है और जियांग यी को मैसेज करके पूछती है, क्या तुम सैड हो अपने पापा के बर्ताव को लेकर? इसके बाद शेंग शेंग के ऑफिस में मीटिंग होता है, जहाँ शेंग शेंग सबको ये खबर देके चौंका देती है कि ली यी भी उसको इंटरव्यू देने के लिए मान गया है। तो शेंग शेंग एक के बाद एक फेमस सेलिब्रिटीज को मना रही है इंटरव्यू देने के लिए। इस बात से और शेंग शेंग की सक्सेस से जी शियाओ बहुत ही जेलस हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि शेंग शेंग जियांग यी के घर में रहते टाइम ली यी से बातें करके ली यी को उसको इंटरव्यू देने के लिए मना लेती है। फिर तोंग हुआ शेंग शेंग से पूछती है कि उसने ली यी को इंटरव्यू देने के लिए कैसे मनाया। तो शेंग शेंग उसे झूठ बोलती है कि उसने दाचुआन को कह के ली यी के साथ इंटरव्यू अरेंज किया है। इसके बाद शेंग शेंग जियांग यी को बोलती है, अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम मूड ठीक करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं खाना खाने जा सकते हो। तो ये सुन के जियांग यी को याद आता है कि वो शेंग शेंग के पापा के रेस्टोरेंट में जा सकता है, इसलिए वो शेंग शेंग के पापा के रेस्टोरेंट जाता है खाना खाने। लेकिन वहाँ जियांग यी को देख के सभी लोग उसे पहचान जाते हैं और उसको घेर लेते हैं और उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। तभी शेंग शेंग के पापा को जब पता चलता है कि जियांग यी रेस्टोरेंट में आया है और सभी लोग अब उसको घेरे हुए हैं, तब शेंग शेंग के पापा जियांग यी को वहाँ से सेफली बाहर ले जाते हैं। तो जियांग यी शेंग शेंग के पापा को बोलता है कि शेंग शेंग ने उसे बोला है कि उसके पापा बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, इसीलिए वो रेस्टोरेंट में आया है। ये सुन के शेंग शेंग के पापा जियांग यी को उसके घर में खाने पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि पोचिन भी डिनर पे आने वाला है। तो पोचिन आने वाला है ये सुन के जियांग यी तुरंत शेंग शेंग के घर में डिनर पे आने के लिए मान जाता है। उधर पोचिन शेंग शेंग को ऑफिस से उसके घर ले जाता है और वहाँ शेंग शेंग के घर में जियांग यी को देख के शेंग शेंग और पोचिन दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो खाना खाते टाइम शेंग शेंग के पेरेंट्स पोचिन और शेंग शेंग के रिलेशन के बारे में ही बातें करते रहते हैं, जिसको सुन के जियांग यी बहुत ही जेलस हो जाता है, क्योंकि वो भी शेंग शेंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था। और दूसरी तरफ पोचिन भी शेंग शेंग और जियांग यी की नजदीकियों से बहुत ही जेलस हो रहा था। इसके बाद पोचिन घर जाने के लिए निकलता है, इसीलिए शेंग शेंग उसको बाहर छोड़ने जाती है। फिर शेंग शेंग जब पोचिन को छोड़ के अपने रूम में जाती है, तब वो देखती है कि जियांग यी उसके रूम में सोया हुआ है और जियांग यी को अचानक उसके रूम में देख के वो डर जाती है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगला वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।